पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उनकी ओर से कहा गया कि भारत बौद्ध समाज की आस्था का केंद्र है। इसके साथ साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। पीएम कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम दिवस पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर जहां श्रीलंका के कोलंबो से आया विमान उतरा, उसमें 100 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम ने कहा है कि एयरपोर्ट से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे किसान, पशुपालकों, छोटे बिजनेसमैन को भी फायदा होगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही पीएम ने कहा है कि आने वाले 3 से 4 साल में देश में 200 से ज्यादा एयरपोर्ट सीपोर्ट का नेटवर्क खड़ा करने का प्रयास है। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर, सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। बहुत बहुत बधाई साथियों। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। तो पीएम को आपने सुना, पीएम की बड़ी बातें आपने सुनी, लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर जिसको लेकर बड़ी बड़ी दावे हैं, इसमें खास क्या है ये हम आपको बता देते हैं। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। आज का दिन कुशीनगर के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। 260 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। 3600 वर्ग मीटर में फैला है टर्मिनल। तो 3600 वर्ग मीटर में टर्मिनल फैला है। 260 करोड़ की लागत आई है। भीड़भाड़ वाले समय में 300 यात्रियों को आने जाने की सुविधा का नया टर्मिनल दिया जाएगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 3.2 किलोमीटर लंबा तैयार किया गया है।
45 मीटर चौड़ा एयरपोर्ट का रनवे यूपी का सबसे लंबा रनवे है। इस रनवे पर हर घंटे 8 फ्लाइट आ या जा सकती है, तो 8 फ्लाइट आ जा सकती है। 24 जून 2020 को इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया था। तो एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकेंगे। साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों की भी डायरेक्ट फ्लाइट होंगी। यात्री लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा भी कर सकते हैं। श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिशा, राजगीर और वैशाली की यात्रा भी अब कम समय में हो सकेगी। तो पीएम मोदी सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, उनकी क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा है वो हम आपको उतार के हैं। 280 करोड़ रुपए की लागत से बन रखे मेडिकल कॉलेज में 500 बेड्स हैं। 500 बेड्स वाले मेडिकल कॉलेज का, इसमें 2022-23 से 100 MBBS छात्रों के एडमिशन भी शुरू कर दिए जाएंगे अगले सेशन में। कुशीनगर में 12 और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम की ओर से किया जाएगा। 180 करोड़ रुपए की लागत से सभी प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे। तो यूपी को पीएम की कई और बड़ी सौगात।